मैंने जो स्टार्ट लिया था, मैंने ARY डिजिटल पे किया था काम सनाटा में, काफ़ी इंजॉय किया। मेरे ख्याल में इस तरह के इवेंट्स यहाँ पे होने चाहिए। क्या ख्वाहिश रखते हैं कब पहनेंगे आप? ऐसा ड्रेस तो लड़कियाँ हमेशा ख्वाहिश यही करती हैं कि अपनी शादी पे पहना जाए। अब मुझे बताएं आपको फ़ोन कौन सा पसंद है, आईफोन या कौन सा? जो भी मुझे मिल जाए, जो भी मैं ले लूँ। जो भी लेना। फ्री में नहीं, जो आप पैसों का लें, कौन सा? आईफोन। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। अपना नाम बताइएगा। जेनिफर। आप मुझे ये बताइएगा कि आप मॉडल हैं? मॉडल भी हूँ, एक्ट्रेस भी हूँ। कहाँ कहाँ आपने एक्टिंग की और कौन से ड्रामास में की है? मैंने जो स्टार्ट लिया था, मैंने ARY डिजिटल पे किया था काम सनाटा में, और उसके बाद अभी जो मेरा रिसेंटली ड्रामा चला है वो A+ पे चला है, नूर। और मॉडलिंग कहाँ कहाँ की आपने? मॉडलिंग मैंने इधर इस्लामाबाद में की है। आपने क्या रोल किया था उस ड्रामे में? ड्रामे में मेरा जो उसमें सनाटा में था, सबक अमर की मैं फ्रेंड थी, और जो अभी मैंने नूर में किया ये भी एज अ फ्रेंड ही मैंने किया है, और इसके अलावा मैंने ATV पे CIA किया है रैम्बो साहब के साथ। बताएं कि यहाँ पे आपने जो ये इवेंट है इसको कैसे आपने इन्जॉय किया? काफ़ी इन्जॉय किया। मेरे ख्याल में इस तरह के इवेंट्स यहाँ पे होने चाहिए, क्योंकि हमारी आने वाली न्यू जनरेशन को पता चलता है कि मतलब ड्रेसेस के हवाले से, ज्वेलरी के हवाले से ऐसे इवेंट्स होने चाहिए यहाँ पे। मुझे ये बताएं मॉडलिंग कहाँ कहाँ की आपने? मॉडलिंग मैंने इस्लामाबाद में की है, इसके अलावा मैंने लाहौर में भी काम किया, तो अभी अनकरीब मैं जो है ना कराची शिफ्ट होने वाली हूँ मॉडलिंग के लिए इंशाल्लाह। ये जो ड्रेस है ब्राइडल का, ये क्या ख्वाहिश रखते हैं कब पहनेंगे आप? मॉडलिंग के अलावा ऐसा ड्रेस तो लड़कियाँ हमेशा ख्वाहिश यही करती हैं कि अपनी शादी पर पहना जाए। वही बात मैं कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। अभी कोई आइडिया नहीं है। लव मैरिज करेंगे अरेंज? जो जो भी नसीब में हुआ। ये एक बंदे की ख्वाहिश भी होती है ना। अरेंज करूँगी। अब मुझे बताएं आपको फ़ोन कौन सा पसंद है, आईफोन या कौन सा? फ़ोन जो भी मुझे मिल जाए, जो भी मैं ले लूँ। जो भी लेना। हाँ। फ्री में नहीं, जो आप पैसों का लें, कौन सा पसंद? आईफोन। आपको कोई मैसेज देना चाहेंगे इस इवेंट के हवाले से या मॉडलिंग के हवाले से, कोई जो आपने एक्टिंग की उस हवाले से? मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि हमारी न्यू जनरेशन को आना चाहिए शोबिज फील्ड में, कि मतलब यहाँ पे आके आपको ये कि थोड़ा सा एक तो माइंड फ्रेश होता है, और पता चलता है हमें फ़ैशन के हवाले से पता चलता है, और नए नए ड्रेसेस के हवाले से पता चलता है कि क्या हम पे सूट करता है, क्या सूट नहीं करता, तो उस हवाले से हमें करना चाहिए। देखने वाले को एक दफ़ा माइंड फ्रेश करने के लिए गाना सुना दें आप। गाना मैंने सिंगिंग नहीं कभी की। एक्टिंग ही करके दिखा दें। एक्टिंग क्यों दें आप? क्यों, मैं तो नहीं दे सकता ना, आप अपने पास से करें, आप किसी की आवाज़ में बोल सकती हैं अगर, या आप रो सकती हैं, जो आप एक्टिंग कर सकते हैं करके दिखाएं ताकि हमारे देखने वाले भी एंजॉय करें। एक्टिंग कुछ समझ में नहीं। कोई भी डायलॉग। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। किसका डायलॉग? ये मूवी का डायलॉग है, दबंग का। आप मुझे इसका मकसद भी बताएं, इसका पूरा मतलब बताना आपने, ये जो जुमला है, सेंटेंस है। इसका मतलब प्यार से डर लगता है, थप्पड़ से डर नहीं लगता। ये सुनने वालों को जो है ना समझ में आ गया होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। किसके लिए स्पेशल बताएं ना वहाँ कैमरे? किसके लिए? किसके लिए ये डायलॉग? किसी के लिए नहीं है, वैसे डायलॉग अच्छा है, क्योंकि सलमान खान की फ़ैन हूँ मैं बहुत बड़ी, तो मैं उनकी ज़्यादातर ना मूवीज़ के डायलॉग्स को फॉलो करती हूँ।